जी अच्छा जी, बताइए सूरदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर जो सूरदास जी थे भक्ति काल के कवि थे, ब्रजभाषा के कवि थे वो। उनका जन्म मथुरा के पास हुआ था सर, किसी गांव में। गुरु उनके वल्लभाचार्य थे, पिता थे पंडित रामदास। उन्हें हिंदी साहित्य का सूरज भी कहा जाता है सर। तो उनकी मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास हुई थी। वो सर जन्म से ही अंधे थे, पर वो कृष्ण भक्त थे। उन्होंने काफी रचनाएं लिखी, जिसमें सूर सागर, सुरसावली, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। वो नहीं है पता मुझे सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ओके सर। चलिए देखिए, बाकी जगह आपको जितने भी हमने जीवनियां पढ़ी हैं सभी के नाम के आगे या तो स्वामी लिखा मिलेगा, जैसे स्वामी राम हिमालय, ठीक है, महर्षि मिलेगा महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, ऋषि मिलेगा महर्षि मिलेगा, कवि मिलेगा, संत मिलेगा, जैसे संत कबीरदास पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ महाकवि है, ये सबसे हटके है। तो भारतीय परंपरा में पहले ऐसे कवि हुए हैं जिनको महाकवि की उपाधि मिली, ठीक है। तो सूरदास जी को महाकवि सूरदास जी के नाम से जाना जाएगा, और ये भारतीय परंपरा में पहले ऐसे संत हुए जिनको महाकवि की उपाधि मिली। ये प्रश्न आ सकता है, आप इसको नोट करके रखेंगे। पढ़ते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। गुरु से भेंट, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो, और उनका देह त्याग कैसे हुआ। सूरदास जी पहले भारतीय ऐसे भारतीय परंपरा के संत हुए हैं जिन्हें महाकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। सूरदास जी एक कवि और एक संत के साथ साथ महान संगीतकार भी थे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी को रामदास सारस्वत के घर में हुआ था, जो जन्म से ही अंधे थे, और इनका जन्म स्थान है वो रुनक्ता नामक गांव में हुआ था, जो आगरा मथुरा जो रोड है उस पर है। जैसे ही ये बड़े होते हैं कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की भक्ति करते हैं। नदी के किनारे गऊ घाट पे जब ये कीर्तन करते थे तो आसपास के गांव के लोग कीर्तन सुनने के लिए आते थे इनके पास। अब देखते हैं गुरु से भेंट कैसे हुई। एक दिन जब ये नदी के किनारे कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तो गुरु वल्लभाचार्य जी आते हैं वहां, और उन्होंने देखा, अरे अरे, एक अंधा व्यक्ति है और इतना अच्छा कीर्तन कर रहा है, इतनी अच्छी गुरु भक्ति कर रहा है, क्यों ना इससे चलकर बात की जाए, इससे मिला जाए। तो उन्होंने इनको अपना शिष्य बनाया और सूरदास ने उनको अपना गुरु स्वीकार किया। ये वल्लभाचार्य है जो आप अगर जानते हो तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है वल्लभगढ़, फरीदाबाद के पास है, दिल्ली से थोड़ा सा आगे, गुड़गांव के बगल में ही। तो ये जो वल्लभगढ़ गांव जो डिस्ट्रिक्ट है वो वल्लभाचार्य जी जो हैं उनके नाम पे ही पड़ा था उसका नाम। तो वल्लभाचार्य जी ने उनको श्रीनाथ मंदिर के में कीर्तन के रूप में नियुक्त किया। वो गऊ घाट पे बैठते थे तो उन्होंने मंदिर में उनको बैठा दिया कि आप यहाँ आ जाए, आपका पालन पोषण भी होता रहेगा, आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और जिसको सुनना होगा आपके लिए एक पर्टिकुलर जगह बन गई। विशेष बात यह थी कि गुरु और शिष्य में सिर्फ 10 दिन का अंतर था। हमारे साथ भी होता है ऐसा कि गुरु और शिष्य में हो सकता है गुरु छोटे भी हों, कई बार ऐसा होता है। तो बात उम्र की नहीं होती है कि कौन छोटा कौन बड़ा है, बात पद की होती है। तो सिर्फ 10 दिन का अंतर था गुरु में और शिष्य में, और इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी थी। गुरु वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग से सूरदास को दीक्षित किया। पुष्टि मार्ग होता है भगवान का अनुग्रह करना, ठीक है, उनसे मिलने की कोशिश करना। वो अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मंत्र योग भी है उसमें, लय योग भी है, भक्ति योग भी है, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिससे हम भगवान से मिल सकते हैं। उनके अनुसार इस मार्ग के बिना जीवन को मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान के अनुग्रह को अधिक महत्व देने के कारण ही इस मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग में भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, एक पुष्टि भक्ति और दूसरी मर्यादा भक्ति। मर्यादा भक्ति में साधक की फल प्राप्ति
प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, जैसे कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी रहती है, भाई मैं उस मठ का मठाधीश बन जाऊं या मैं वहां का शंकराचार्य बन जाऊं, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ जो साधुओं की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, हमें तो ऐसा नहीं पता, पर इसमें कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी, कुछ एम होता है, उसको पाने के लिए भक्ति की जाती है, ठीक है। जबकि जो पुष्टि भक्ति होती है वो आसक्ति रहित होती है, उसमें कोई इच्छा नहीं होती, सब चीजों से व्यक्ति डिटैच हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, ये पुष्टि भक्ति कहलाती है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति का भी एक मुख्य लक्ष्य है, मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति ही है। सूरदास जी की जो कृष्ण भक्ति थी उसका जो एम था, जो मुख्य लक्ष्य था, वो भी मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति, दोनों मतलब एक ही कह लीजिए, यही था इनका जो भक्ति करने का तरीका। और भक्ति आप साकार से निराकार की तरफ जाते हैं, डायरेक्ट आप निराकार की तरफ नहीं जा सकते, जैसे आम हम लोग हैं जो जो सांसारिक लोग हैं, उनको पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप साकार से फिर निराकार की तरफ जाएं, हमें मुश्किल आती है सीधा निराकार निराकार की तरफ जाने से, तो स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं अकबर से मुलाकात हुई थी इनकी, क्या है वो। एक बार बादशाह अकबर ने सूरदास जी को अपने दरबार में बुलाया, निमंत्रण भिजवाया किसी के हाथ, तो सूरदास जी गए वहां पर। सूरदास जी को जाकर कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं हमने सुना है, तो सूरदास जी ने कहा जी आपका धन्यवाद, तो उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ सुनाइए, तो सूरदास जी ने अपना भजन कीर्तन शुरू किया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने देखा कि ऐसा भजन कीर्तन तो कोई दो क्या चार आंखें हो जाए किसी की वो व्यक्ति भी नहीं कर सकता, जितना कि अंधा भक्त है, अंधा होते हुए भी, प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी ये कर रहा है। तो अकबर ने डिमांड रखी कि आप है ना मेरे यहाँ रहिए, दरबार में रहकर आप मेरा गुणगान करिए, ठीक है, और मैं आपको राष्ट्रीय कवि घोषित करता हूँ। ये बातें मुगल शासन के समय की है, और जिस समय मुगल शासन होता था वहां पर क्या होता था, मुगलों ने कुछ भी करना हो ना तो लालच देने के उनके पास एक ही जरिया होता था, या तो किसी को राष्ट्रीय कवि घोषित कर दे, कोई कवि की फील्ड का आदमी है, या कवि की फील्ड का नहीं है तो आपने अगर किसी की जीवनी पढ़ी हो तो उसमें कहा आपको 10 गांव इनाम में दे देंगे, आपको 20 गांव इनाम में, आपको इनका मुखिया बना देंगे, ऐसे ऐसे बोला जाता था, और व्यक्ति उस लालच में आ जाता था तो किसी की गर्दन काट के ले जाते थे, कोई अपने जीजा की गर्दन काट के लाता, आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे हैं ऐसे लालच दिए जाते, तो लालच में आके व्यक्ति कुछ ना कुछ कर देता था। इस पर सूरदास जी ने कहा माफ कीजिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कृष्ण की भक्ति जानता हूँ और वही करता हूँ। इस पर अकबर ने भी सूरदास जी से माफी मांगी और कहा कि आप जाइए और कृष्ण भक्ति करिए, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बता दें, और या आप कभी जैसलमेर जाएंगे तो वहां देखेंगे आप, जैसलमेर में वहां पे तानसेन गाता था, तानसेन जहां बैठ के गाता था उसी दरबार में जाके इन्होंने भी गाया था। उदयपुर में भी है राजस्थान, और तान जैसलमेर में भी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, सूरदास जी की भाषा शैली जो है वो ब्रज थी, इन्होंने अपनी कृति ब्रज भाषा में ही लिखी, जिनमें से पांच प्रमुख हैं इनकी, वो क्या है, सूर सागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ये पांच इनकी मुख्य रचनाएं। आगे पढ़ते हैं देह त्याग जो है इनका, इन्होंने देह का त्याग कैसे किया। जब गुरु वल्लभाचार्य ने इनको श्रीनाथ मंदिर में नियुक्त किया था तो मरते समय तक ये वहीं पर रहे और डेली वहीं भक्ति करते थे अपने, सुबह वही इनका जो क्रियाक्रम था, और ये जन्म से ही अंधे थे फिर भी इनको इतना पता था, मतलब देखने में जो एक परिपूर्ण व्यक्ति होता है जिसकी दोनों आंखें होती हैं उससे भी ज्यादा इनको अंधा होते हुए दिखती थी। जब उनका कृष्ण भगवान का जब श्रृंगार करते थे तो जैसे उनको कभी पीले कपड़े पहनाए तो ये बोल देते थे कि नहीं आज पीले कपड़े इन पे अच्छे नहीं लग रहे तो आप इनके कपड़े बदल दीजिए, तो चौंक जाते थे जो वहां के पुजारी थे कि एक अंधा व्यक्ति इसको दिखता भी नहीं और फिर ये बोल भी रहा कि पीले कपड़े अच्छे नहीं लगते, तो इतना मतलब इनकी ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था इनको। सूरदास जी श्रीनाथ मंदिर में जब कीर्तनकार के रूप में नियुक्त हुए थे, मरते दम तक वहीं पर कीर्तन किया और कभी भी कीर्तन में कोई अनुपस्थिति नहीं दिखाई इन्होंने, किंतु एक दिन ऐसा भी आया
कि जब वे कीर्तन में नहीं पहुंच पाए। तब उनके गुरु वल्लभाचार्य जी समझ गए कि सूरदास जी का अंतिम समय आ गया है, और जब मंदिर के मुख्य पुजारी ने जाकर देखा तो वह अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, और उस समय भी सूरदास जी अपने इष्ट के अर्थात उनके इष्ट थे कृष्ण भगवान थे श्री कृष्ण के चैतन्य रूप के दर्शन कर रहे थे, उनकी लीला का वर्णन कर रहे थे। इसके बाद वह पूर्ण रूप से राधा कृष्ण भाव में लीन होकर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए आत्म तत्व में लीन हो गए। गोवर्धन के पास पारसोली, ये पारसोली आएगा, ये परसोली लिख रखा है, पारसोली गांव में सन 1583 ईस्वी में इनका अंतिम संस्कार किया गया। ये स्वामी महाकवि सूरदास जी की जीवनी थी। सवा नौ हो गए, एक जीवनी और पढ़ लेते हैं हम, गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बताता हूँ आपको कि ऐसा कहा जाता है, पढ़ ही लेते हैं, पढ़ने में इसमें है सब कुछ। तुलसीदास जी का जन्म नाम भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के साहित्य में सबसे अग्रणी है। भारतीय संत परंपरा के दास्य भक्ति के परिचायक और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में सन 1511 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम, ये तुलसी देवी लिख रखा है, यहाँ पे हुलसी देवी आएगा, आप ठीक कर लेना इसको। माता जी का नाम हुलसी देवी था और तुलसीदास जी पाराशर वंशावली के एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। जब इनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी करवाई गई थी, जैसे आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध जी की भी भविष्यवाणी हुई थी, और उनके बारे में भी ये कहा था कि ये संत बन जाएंगे आगे चलकर। और उनके पिता थे वो दुखी थे महात्मा बुद्ध जी के, कि भाई बुढ़ापे में आके तो एक संतान पैदा हुई और वही संत चलक बन जाएगा, तो फिर इस राजपाट को कौन संभालेगा, तो वो भी दुखी थे। ऐसे ही इनकी भी भविष्यवाणी हुई थी, तो जब भविष्यवाणी हुई तो अधिकतर जो संत थे उन्होंने ये कहा था कि आपके ऊपर खतरा बनेगा बच्चा, मतलब आपको आपकी मृत्यु भी कर सकता है, ऐसा कहा गया था इनकी, उसमें आता है जीवनी में पढ़ने में। तुलसीदास जी के जन्म को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी 9 महीने के बजाय 12 महीने में हुए थे, और जब ये हुए थे तो इनके 32 के 32 दांत थे, और जब ये हुए थे तो ये रोए नहीं बल्कि राम शब्द इनके मुंह से निकला था, और इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। तुलसीदास जी की माता पिता के देहांत होने के बाद राम बोला जी अनाथ हो जाते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद दासी चुनिया नाम थी जिनका, उन्होंने राम बोला को अपने बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया। जब राम बोला 5 वर्ष 6 महीने के थे तब दासी चुनिया का भी देहांत हो जाता है, फिर से अनाथ हो जाते हैं। उसके बाद इनके घर के पास एक आश्रम था जिनके पुजारी थे नर हरिदास, उन्होंने इनको अपना पास रखा, और नर हरिदास ने बालक राम बोला को अपने साथ आश्रम में रखा। नर हरिदास ने इनको वेद दर्शन अध्यात्म की शिक्षाएं दी और इनका नाम राम बोला से तुलसीदास रख दिया। तो यहाँ इनके गुरु हुए राम नर हरिदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी ने गुरु शेषा नाम का इनका गुरु था से वाराणसी आश्रम में उनके सानिध्य में रहकर हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया और 16 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुलसी जी वापिस अपने राजपुरा लौट जाते हैं और वहां पर जाकर भजन कीर्तन करने लग जाते हैं। तो एक दिन ये किसी गांव में गए हुए थे, वहां पे कथा कर रहे थे, और तुलसीदास जी वापस अपने गांव राजपुरा लौटकर कथाएं और दोहों के माध्यम से घूमकर लोगों को कथा का ज्ञान बांटते थे। ठीक है, तो वहां पर कोई बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति, वो अपनी पुत्री का अपनी बिटिया का निमंत्रण लेके, शादी का निमंत्रण लेके इनके पास गए और इन्होंने उसको स्वीकार किया।
तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से संपन्न हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से विशेष प्रभावित थे। वो बुद्धिमान भी बहुत अच्छी थी। तुलसीदास जी ने अपने प्राणों से प्यारी अर्धांगिनी थी जो इनकी रत्नावली, क्षण भर भी दूर नहीं रह सकते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो ये जाने नहीं देते थे अपने से दूर, मतलब जैसे कहीं कथा वथा करने के लिए 1-2 घंटे के लिए गए, और बस जैसे ही कथा खत्म हुई तो वापस घर की तरफ आने की उनको हो जाती थी, अपनी पत्नी से मिलने की हो जाती। अपनी पत्नी के प्रेम में कुछ ज्यादा आसक्त थे ये। और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, परेशान होगी क्योंकि उनको ये जाने नहीं देते थे मायके, तो बगैर बताए चली गई और एक पत्र छोड़ के चली गई। तो जब ये वापिस आए तो इन्होंने देखा, पत्र मिला तो पत्र को इन्होंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर गई हूँ, मैं आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना। इनसे रहा नहीं गया क्योंकि तो पत्नी के प्रेम में ज्यादा आसक्त थे, तो ये पत्नी से मिलने रात को ही चल दिए। और शहरों की तो अलग बात है और पुराने समय की बातें हैं ये, तो आज भी गांव वाँव में तो सबको सबका पता होता कौन किसका बेटा है कौन किसकी बेटी, तो बहुत जल्दी बातें फैल जाती है। और ऐसे अच्छा भी नहीं माना जाता कि रात को किसी का जवाई किसी के घर आ रहा है, बहुत लेट आ रहा है और वो भी अकेला, ठीक है, तो अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जब गए तो रास्ते में इनके घर से और इनके ससुराल के बीच में एक नदी थी, तो नदी को पार करना था। और उस दिन वो बारिश बारिश के कारण नदी भी कुछ ज्यादा ही भर के चल रही थी, अब इनको नदी पार करनी थी, इनके लिए मुसीबत थी नदी को पार करना। तो एक डेड बॉडी आती है और ये उस डेड बॉडी को अपने एक लकड़ी का टुकड़ा से समझ लेते हैं, कोई लकड़ी की डंडी सी है बड़ा सी, तो उसको पकड़ के उसके सहारे नदी को पार कर जाते हैं। पार करने के बाद ही फिर वापस जाते हैं अपना, जाके वहां फिर बताते हैं कि इनको गेट तो रात को खुलवाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, तो ये गेट को लांग के जाते हैं तो वहां पे एक सांप था, बताते हैं कि सांप से को पकड़ गए वापस और अंदर चले गए। और बाद में पता चला कि वो सांप रस्सी नहीं थी, रस्सी को पकड़ के चले गए, बाद में पता चला वो सांप था। तो जब ये गए अपनी पत्नी से मिलने तो पत्नी ने देखा, तो पत्नी इनको थोड़ा सा कटाक्ष कर दिया, तो इनको वो बातें चुभ गई। पत्नी ने बोला कि आधी रात को आप मेरे से मिलने आए हो, मैं तो एक हार्ड मास का शरीर है, ये उसका पुतला हूँ, इतना प्रेम आप मेरे से करते हो तो इतना प्रेम आप अगर अपनी राम भक्ति में लगा दो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रत्नावली ने एक श्लोक के माध्यम से कहा था जिसे सुनकर तुलसीदास जी की आंखें खुल गई थी। अस्ति चरम मैं देह यह तासो ऐसी प्रीत, नेकू होती तो राम से तो काहे भव भीत। भाई ये तो हार्ड मास का एक पुतला है मेरा शरीर जो है, इससे क्या प्रीत लगानी, और इतनी प्रीत आप मेरे से लगा रहे हो। नेकू होती जो राम से, इतनी प्रीति इतना प्रेम आपका अगर राम भक्ति से हो तो काहे भव भीत, क्या कुछ अलग ही बात होती। इनको ये बातें थोड़ी चुभ गई और चुभने के बाद ये वहीं से वापिस चल दिए। अपने इनका पुत्र था, पुत्र को अपनी पत्नी को वहीं से छोड़ के और वापिस चल दिए 80 घाट की तरफ। इस श्लोक के द्वारा रत्नावली ने तुलसीदास जी को जीवन का वास्तविक मर्म समझाते हुए कहा कि आप इस हार्ड मास से बने हुए शरीर से जो इतना प्रेम करते हैं, यदि आप इससे आधा प्रेम भी भगवान राम से कर लो तो भव सागर पार हो जाएगा। इन कड़वे वचनों को सुनकर तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से मोह भंग हो गया और उसी समय वे गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास जीवन धारण कर लेते हैं। अपनी पत्नी के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर तुलसीदास जी का आंतरिक स्वाभिमान जाग गया और उसके बाद तुलसीदास जी राम भक्त की आराधना में लीन हो जाते हैं। पढ़ते हैं कि तीर्थ यात्रा एवं राम भक्ति। तुलसीदास जी को राम नाम की लगन लग चुकी थी, उन्होंने बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम, पुरी आदि धार्मिक और जो तीर्थ स्थलों थे उनकी यात्राएं की, हिमालयों के योगी संतों के सानिध्य में रहकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात चित्रकूट के 80 घाट पर ध्यान मगन होकर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना की, जिसको सबसे ज्यादा सुना जाता है, सबसे ज्यादा समझा जाता है, जो सबसे ज्यादा हाई डिमांड में। काव्य लिखने का मार्गदर्शन तुलसीदास जी को हनुमान जी से प्राप्त हुआ।
और इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लग गया था। ये आप 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन याद रखना। और इनके स्वप्न में ये बताते हैं कि मेरे स्वप्न में हनुमान जी आते थे, उन्हीं ने मेरे को राम जी से मिलवाया था, राम लक्ष्मण ये सब इनके सपने में आते थे, उनसे मिले हुए थे, ऐसा ये बताते हैं अपनी इनकी जो ग्रंथ है उनमें बताते हैं। वर्तमान में विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्य में 46वें स्थान पर ये है। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ था, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया था, और यहाँ भी इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे, क्योंकि अवधी भाषा वहां के लोगों की एक मदर लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो लोकल भाषा होती है वो थी। ये चाहते थे कि सब पढ़ें, पर उस समय अनपढ़ भी थे, अगर ये संस्कृत में या किसी और भाषा में लिखते तो लोग पढ़ नहीं पाते और इनकी लेखनी सब लोगों के दिल तक, उनके मन तक नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां की जो सामान्य भाषा थी उसमें लिखा इसको। इससे जो वहां के जो बड़े बड़े पंडित लोग थे वो चिढ़ गए इनकी बात से कि आपने संस्कृत को नीचे ला दिया और अवधी भाषा वो ऊपर ले गए। तो ऐसे इनके साथ बहुत वाद विवाद हुआ, बाद में जाके बहुत पॉपुलर हुई, ये भी एक घटना है इनके साथ। एक बार तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, उसी समय राम और लक्ष्मण प्रकट हुए, और इसके बाद भगवान श्री राम इस चंदन से तुलसीदास जी को तिलक करते हैं। और इसके लिए एक प्रसिद्ध दोहा भी है, चित्रकूट के घाट पई भाई संतन के भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी का साहित्य योगदान पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी की मुख्य रूप से 12 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। भाषा के आधार पर इनकी रचनाओं को 2 समूहों में विभाजित किया गया है, कुछ अवधी भाषा में है, कुछ ब्रज भाषा में। अवधी भाषा में जैसे रामचरितमानस है, राम लल्ला नहचू, बरवाई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, ठीक है। ब्रज भाषा में जो है कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रतन, दोहावली, वैराग्या संदीपनी, विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका के बारे में ऐसे बताते हैं, जब ये विनय पत्रिका पूरी हुई थी उसी दिन इनका देहांत हो गया था, ठीक है। इसमें एक संकट मोचन भी आएगा। अन्य रचनाएं हनुमान चालीसा, ये रही हनुमान चालिया चालीसा, हनुमान अष्टक, हनुमान बहु की, तुलसी सत्सई, पार्वती मंगल, दोहावली, संकट मोचन, रामशला का झूलना, आदि आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं। तुलसीदास जी और उनकी योग साधना। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, और यहाँ पे मिथ्या धारणा है कि रामायण को तुलसीदास जी ने लिखा है, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ने महर्षि वाल्मीकि जो रामायण है उससे प्रेरित होके रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। नरहरि बाबा ने तुलसीदास जी को भक्ति योग की प्रेरणा दी थी। भक्ति भाव से योग को सिद्ध करने के लिए तुलसीदास जी लगातार कई घंटों तक ध्यान में बैठते थे, और इस दौरान इन्हें जो कुछ भी अनुभव होता था उससे वो अपनी रचनाओं के माध्यम से मूर्त रूप से लिख देते थे। वही बात आगे जो हमने कबीर जी के बारे में पढ़ी थी, आगे एक दोहा आएगा वो फिर मैं उसमें पढ़ाता हूँ आपको। तुलसीदास जी के भक्ति योग में श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, विश्वास का अत्यंत सामंजस्य मिलता है। साथ ही तुलसीदास जी को भक्ति में दास्य भाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास, ये सारी चीजें हमें अष्टांग पतंजलि योग दर्शन में पढ़ने को मिलती हैं। तप, संयम, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम को भक्ति का योग का प्रमुख साधन बताया। तुलसीदास जी का देवलोक गमन। तुलसीदास जी कई वर्षों से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्हें बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुई, उसी समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और इनको प्रार्थना के पद रचने का संदेश दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के संदेश को सहर्ष रूप से स्वीकार किया और अपनी अंतिम रचना
विनय पत्रिका का लेखन प्रारंभ किया। इन्होंने बताया कि भगवान राम ने स्वयं अपने हस्ताक्षर विनय पत्रिका पर किए थे। तत्पश्चात इस पत्रिका के समाप्त होने के बाद सन 1623 ईस्वी में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को तुलसीदास जी ने राम नाम का जप करते हुए अपने देह का त्याग किया था। ये तुलसीदास जी का और हमने महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा है। और जब तुलसीदास जी ने भी से भी किसी ने पूछा था कि आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं, तो इन्होंने भी वही बातें कही थी जो कबीर जी ने कही थी कि कविता करने का मेरे अंदर कोई ढंग नहीं है, ठीक है, और ना मैं कोई ऐसा बड़ा कवि हूँ, ना मैं लेखक हूँ, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, बस मेरे जो मन में आता है मैं वो कोरे कागज पे लिख देता हूँ, उसको लोग कविता समझ लेते हैं। और ये बातें भी वो व्यक्ति कह रहा है, वो इंसान कह रहा है जिसने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। सर ज्यादातर इनका जो अवधी भाषा में लिखा है हम वही वाली रामायण पढ़ते हैं ना जनरली घरों में।